हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं एक रीडिंग के साथ आ गई हूँ। डेली गाइडेंस पता करेंगे आज, ठीक है? आज का दिन आपका कैसा जाएगा? आज के दिन आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका मूड, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी आज पूरा दिन, और एंजल आपको क्या बताना चाहेंगे आज के दिन के लिए। तो जो भी रीडिंग में आता है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या आएगा। स्टार्ट करते हैं गाइस, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। थ्री ऑफ वैंड्स आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड है। ओके, आज के दिन आपका मूड जो रहने वाला है वो है किंग ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है आपके वर्क के लिए। एंड हेल्थ में आया है एट ऑफ सोल्स। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके लिए बट ऑन द डेक से। तो गुड लक है आज के दिन आपके साथ। ओके, तो ये कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर गाइज। अगर मैं आपके लव लाइफ के लिए बात करूं तो यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड का कार्ड है। हो सकता है कि जो आपके लव वन है वो आपसे दूर जा रहे हैं, मींस पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए। आप अभी अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक है, एक एक दूसरे से बात कर रहे हो या हस्बैंड वाइफ भी हो, तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंस में आ गए हो। और ये पर्सन भी थोड़ा मतलब इसको अपने करियर के वजह से, अपने करियर के वजह से ना आपसे दूर जाना पड़ रहा है। इसका मन नहीं है जाने का, बट यू नो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आ गए हैं कि करियर के लिए इसको जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में आ गए हो, एक सेपरेशन में आ गए हो। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो ये उसके लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आप सेपरेशन में ही हो, आपके पार्टनर से आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, सेपरेशन एज अ ब्रेकअप, ठीक है? तो ये पर्सन अब ये किस तरीके से मैसेज देंगे आपको? ये जो पर्सन है ये आपको मिस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये भी आपसे दूर ही हैं। सेपरेशन बहुत टाइम हो गया है सेपरेशन में आते आते, और अभी बहुत लंबा सोच रहे हैं, बहुत लंबा प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को अलाइन किया जाए, चीज़ों को बैलेंस में लेकर आया जाए, ठीक है? तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। अदरवाइज यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के मन में भी अब कुछ ऐसे प्लान आ रहे हैं कि आपको भी ना अपने करियर पर फोकस करना है, या आपको भी अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करनी है, वहाँ सेटल होना है, कुछ ना कुछ इस तरह के आइडियाज़ भी ना मैं आपके माइंड में आते हुए देख रही हूँ। आई डोंट नो कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, पर आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है? किंग ऑफ कप्स आपके मूड के लिए है। देखिए, आज ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े ना आज से क्रिएटिव तरीके से रहो, मीन्स कुछ सीक्रेट्स रखो अपने अंदर, अपने प्लान, फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप किसी को बताने नहीं वाले हो, ठीक है? आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हाइड रखोगे दूसरों से, और अभी जल्दी से आपको कुछ भी रिवील नहीं करना है। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या कैसे आपको फ्यूचर में स्टेप लेना है, तो ये चीज़ें आप नहीं बताओगे। अब आप ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखकर चीज़ों को अपने ही तक रखकर एक्शन लोगे और वेट करोगे आप कि आपका एक्शन आपको क्या रिजल्ट देगा, ठीक है? तो फिलहाल आप अब जल्दी से अपनी बातें रिवील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप, मुझे लगता है आपका थर्ड आई चाक्रा ओपन है और आप डेफिनेटली अब काफ़ी हद तक कंट्रोल आपके ऊपर मैं आपका देख रही हूँ। तो ये एक अच्छी बात है कि आपका कंट्रोल है आपकी लाइफ पर, ठीक है? करियर में अगर बात करूँ तो काफ़ी बैलेंस बनाकर चल रहे हो अपने करियर में। डेफिनेटली सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, ये बैलेंस बताता है। तो आपका बैलेंस डेफिनेटली है आपके काम में, आप अपना काम अच्छे से कर पा रहे हो।
आप अपने काम बहुत ही ज़्यादा मतलब काम आ जाता है दूसरा, तो ही आप अपने काम को नहीं करते हो, अदरवाइज तो आप अपने वर्क को 100% दे रहे हो। जो भी आपकी हॉबीज़ है, स्किल्स है, उसमें भी आप अपना एक, आप मुझे हर फैक्टर में जिस जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं और आप वो सारे काम करते हैं, तो आप मुझे उन सब में बैलेंस में दिख रहे हो, आप बैलेंस बनाकर चल पा रहे हो। आप अपनी हॉबी को, अपनी स्किल्स को, अपने स्टडी को टाइम दे रहे हो ताकि आप एक अच्छे पोजीशन अचीव कर सकें, ठीक है। हेल्थ में थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप आपको प्रॉपर आप नींद नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से थोड़े से इश्यूज आपको आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टायर्ड फील करो, या फिर थोड़ा सा हेडेक हो, या फिर हेल्दी फील ना करो, ठीक है, थोड़ा सा ना टायर्ड जैसा फील करो, हल्का हल्का बॉडी पेन हो सकता है, तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, इस वजह से आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, टाइम पर आपको लेट, बहुत लेट नींद आती है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के सपने इतने ज़्यादा हैं, तो आप ना सोच सोच के ऐसे होगा वैसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, तो इस वजह से भी आपको ना नींद नहीं आती है। फिलहाल कोई बात नहीं, जब सपने सर पे दिमाग में सेट हो जाते हैं कि ये ड्रीम है, ये अचीव करना है, तो ऐसा होता है, इट्स ओके, आप अच्छे पाथ पर हैं। लेकिन थोड़ा सा अपना फिर भी ध्यान रखिए, टाइम से सोने की कोशिश कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, इट मीन्स आपका गुड लक आपके साथ है, और जब गुड लक साथ होता है तो चीज़ें डेफिनेटली अलाइन भी हो जाएगी, आप अचीव भी कर पाएंगे। और द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि आपका समय का पहिया बहुत जल्दी घूमेगा और आपकी लाइफ में अच्छे दिन भी आएंगे। और ये एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी, आपके एफर्ट्स ही ये चीज़ करवा रहे हैं कि ये समय का पहिया आपके लिए घूमेगा, ठीक है, ये आपके एफर्ट्स ही हैं जो आपको मिल रहा है देखने को, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। एक्शन गाइस, बिल्कुल टाइम आ गया है कि एक्शन ले लो अपनी लाइफ में, काम पर लग जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, इनवी, स्ट्रेंथ, ओके। तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं, और देखो विक्ट्री का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। एंजल देखिए आपको यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप एक्शन लें अपनी लाइफ में, एंजल्स आपके साथ हैं, बस आपको एक्शन ऐसे लेना है कि आपको दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर कोई जेलेसी फील नहीं करनी है, अपनी हीलिंग पर, अपनी लाइफ पर, अपने पर्पस पे फोकस रखना है, और स्ट्रेंथ आपको बना के रखनी है। थोड़े बहुत चैलेंजेस अभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रेंथ अपनी बना के रखना। आज का दिन आपको बहुत अच्छा है, नो डाउट। पार्टनर को थोड़ा मिस कर सकते हो, लेकिन अब बहुत अच्छे प्लान्स हैं आपके पास जो आप रिवील भी नहीं करोगे, और आपको इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं, तो हो सकता है विक्ट्री भी आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन अपनी हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप इस टाइम, मीन्स जो भी आप अपने जो सिक्स ऑफ ये जो बैलेंस अपने करियर में बनाया है ना, इसको बना के रखना, इसको ब्रेक मत होने देना, ओके। दो कार्ड्स आए हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। थ्री कार्ड्स हैं यहाँ पर, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए ये तब है, ये तब ऐसा होगा कि कुछ भी सिचुएशन से बाहर नहीं आएगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन का मतलब है कि अगर आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, अगर आप इनवी, जेलेसी एंड एनजाइटी वगैरह में ही रहे, तो फिर ये मुश्किल है आपके लिए कि आपके लिए गुड लक आए। अदरवाइज अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं, तो कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन एंड आप बहुत क्लोज हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। इसलिए गाइज लगे रहो अपने काम में, एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को डेफिनेटली प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। सोचते रहिए, प्लान करते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए, क्योंकि एक्शन लेने का टाइम तो है आपके लिए, गुड लक भी आपके साथ है। तो अगर आप एक अच्छा प्लान बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो शायद आपको अच्छा आउटकम भी मिल जाएगा। द शिखेना आर्कएंजल आपके साथ हैं, और देखते हैं डायना, वाओ, स्ट्रांग लेडीज विद यू,
ओके, और एक कार्ड और लेंगे हम, वाह, मदर मैरी। ओके, और देखो मास्टर जीजस भी आ गए हैं यहाँ पर, वाह। गाइस यहाँ पर आपको ये सब कह रहे हैं, डायना आपसे कह रही है फोकस इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, जो आपकी डिजायर है आप उसके बारे में सोचें, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो भी काम करने वाले हो, जिस भी चीज़ के लिए आज एक्शन लोगे, एक्सपेक्ट करना कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम ही आपको मिलेगा, और अपने डिज़ायर पर फोकस रखें इस टाइम, ठीक है। जो ऐसा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। शखेना आपसे कह रहे हैं, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। ये कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिट को ग्रो करो, ठीक है, अपनी स्पिरिट को आगे बढ़ाओ, अपनी स्पिरिट को एक्सपेंड करो, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, और जो आपके गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स जो आप लेकर आए हैं अपने साथ अर्थ पर, उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। इट मीन्स जो आपकी स्किल्स है, जो आपका टैलेंट है, उसको ढूंढने की कोशिश करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ, टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दो आप, ठीक है। एंड मदर मैरी कह रहे हैं, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। कभी कभी अपने आप को अगर सही हमें दिखाना है और वहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। आप लेट गो कर दो इस चीज को, ठीक है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, पीस चूज करो, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ठीक है। और देखो यहाँ से मास्टर जीजस भी हैं, ये यहाँ से आपको मदर हीलिंग पॉसिबल है, और यहाँ से फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ठीक है। आप लाइट के पाथ पर हैं, लोगों को माफ़ करो, प्यार करो, आपको भी प्यार मिलेगा, ठीक है। और डेफिनेटली अपने गिफ्ट्स, जो आपका टैलेंट है, उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है, और खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करो। आप डेफिनेटली अच्छे पाथ पर हैं और सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है, डोंट वरी। सो गाइस दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना है गाइस, बाय, टेक केयर।